से हम आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मैं इनवाइट करूंगा उमर यूनुस को। उमर यूनुस कैंडिडेट तशरीफ लाएं तिलावत कलाम पाक के। उमर بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك وما قصى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. मैं वंडरफुल क्लब पाकिस्तान की तरफ से आप तमाम खवातीन और हजरात को यहाँ इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। हम माजरत खाएँ कि हम तकरीबन 50 मिनट डिले हो गया हमारा प्रोग्राम। हम कोशिश करेंगे कि इसको टाइम को मैनेज करें और उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा कि हम तमाम डिसिप्लिन के साथ जो है वो इस प्रोग्राम को अटेंड करें। कुछ जो नॉर्म्स हैं इस प्रोग्राम के उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगा कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने मोबाइल फ़ोन या तो साइलेंट पर लगा दें या स्विच ऑफ करें, क्योंकि हॉल में कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो उसको अटेंड ना करें ताकि ये डिस्ट्रक्शन। आज के प्रोग्राम के लिए हम सबसे पहले हमारे जो मेहमान खसूसी हैं मोहतरम शफी साहब और मैडम तरन्नम, हम सब एक दूसरे को यहाँ पे खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम करते हैं और एक मजबूत मैडम को पता चले कि आप इनसे कितना प्यार। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी गुनाह को शुक्रिया आप इनसे वक्त निकालते हैं हमारे साथ हमारे पास आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मैडम भी बता रही थी कि पूरी रात जो है ये इन्होंने बिजी नहीं अपनी इनकी जो है वो पर्सनल जैसी मसरूफियात थी कि सारी रात ये जो है वो एयरपोर्ट और फिर घर में, तो पूरी रात ना सोने के बावजूद भी ये टाइम पर यहाँ पे आ गए और हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था जबकि मैडम और शमीजा यहाँ पहुँचे। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ सबसे पहले, तो मैं अपने आप अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम अताउर रहमान है और मैं मुर्तज़ा पार्क को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली ये दो चैप्टर्स की कोशिशों का नतीजा है। नंबर वन कोकन पार्क, जिसमें ख़ास तौर पर शेखा साहब और मुख्तार साहब और उनकी टीम वो खास तौर पे एप्रिसिएशन की मुस्तैक है, तो इनके लिए एक भरपूर हमारी टीम है जो हमारे कोकन पार्क के हमारे लोग हैं ये उन्होंने इसको अरेंज किया और उसके बाद इसका जो बाकी तमाम अरेंजमेंट था वो मुर्तज़ा पार्क के लोगों ने किया। तो मैं स्पेशली जो है आसफ साहब, यूनस साहब, रबानी साहब, सरवर साहब, ताहिर साहब, खास तौर पर कुछ नहीं करेंगे सिर्फ व्हीलचेयर से आप पहुंचा देंगे, तो ये लोग
रात तक यहाँ पे जो है वो काम करते रहे और ये आप लोगों के लिए इसको पॉसिबल किया। और सबसे बढ़ के आपको मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं जो यहाँ तशरीफ लाए, क्योंकि आपके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। तो अपने लिए भी भरपूर क्लैपिंग कीजिए। थैंक यू। आज संडे का दिन है, मसरूफियत तमाम, मतलब एक दिन सबको ब्रेक मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स, कोई घर के काम, सब कुछ होता है। और सब लोग जो हैं वो अपने तमाम मसरूफियत को छोड़ के यहाँ पर पहुँचे। मैं और यहाँ हमारे सब जो वंडरफुल क्लब के जितने भी लोग हैं, आप तमाम लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आज के इस यहाँ की गैदरिंग के। आज के प्रोग्राम के दो हिस्से, एक यहाँ पे जो पहला हिस्सा हमारे प्रोग्राम का होगा वो होगा NLP सेशन, जो कि कंडक्ट करेंगे यूनस साहब। NLP के बारे में हम इस पहले इसके बाद बात करेंगे, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज हमारा एक सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है जो कि ख़वातीन के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मर्द हजरात तो जो है वो कोई भी काम होता है उनके लिए बहुत ईजी है, तो उनको एक्सरसाइज करना, पार्क में आना, लेकिन ख़वातीन के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। बहुत सारे हर्डल्स होती हैं, उठना, घर को संभालना, बच्चे, दूसरी मसरूफियात, और उसके बाद फिर वक्त निकालना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो वो तमाम ख़वातीन जो इस काम में हिस्सा ले रही हैं वो तमाम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मैं एक चाहूँगा कि भरपूर तो जिन ख़वातीन ने इसमें और आगे बढ़ के काम किया, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली, शमी साहब ने जो है ट्रेन किया यहाँ पे योगा के लिए, और वो ख़वातीन जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग की उन्होंने सर्टिफिकेशन, आज उनको जो है वो सर्टिफिकेशन जो है उनकी उनको सर्टिफाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे शमी साहब, और मैडम जो है वो सर्टिफिकेट उनको देगी। तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि यहाँ कराची में हमारे पास सब सर्टिफाइड ख़वातीन होंगी जो कि योगा के सेशन कंडक्ट किया करें। अब मैं आ जाता हूँ प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहला हिस्सा है न्यूरो नर्व, जो हमारा ब्रेन है, लैंग्वेज जो उसकी जबान है, और प्रोग्राम में उसको कैसे प्रोग्राम करना है। देखिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लर्निंग प्रोसेस में से गुजरते रहें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके गोद तक, यानी कि आप आखिरी सांस तक भी इल्म हासिल करें। तो ये एक सीखने का प्रोसेस है, ये एक जानने का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हम अपने आप को किस तरह से ट्रेन करें कि हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, तो ये जो बेहतर ज़िंदगी गुजारने का अमल है कि हम अपने माइंड को किस तरह से प्रिपेयर करें कि वो हर वक्त हमारे लिए बेहतर फैसले कर सकें, हम अपने लिए जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी अडॉप्ट कर सकें। हमारे पास जब खुशी के लम्हात आए तो हमें उसमें कैसे रिएक्ट करना है, और जब हमारे पास खुदा न खास्ता कभी कोई क्राइसिस आता है तो उस क्राइसिस से हमें कैसे निपटना है, ये सारी चीज़ें जो है ये NLP इसको एड्रेस करता है और इसको सिखाता है। हम बहुत मशहूर हैं यूनस साहब के, कि यूनस साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा सीखा। और हम जो है लाहौर में भी इन्होंने सेशन कंडक्ट किए, एक सेशन हमारा यहाँ रमजान शरीफ में मुर्तजा पार्क में हुआ था। उसके बाद बहुत सारे हमारे मेम्बरान की ख्वाहिश थी कि यूनस साहब एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो सबके लिए एक छत के नीचे एक सेशन में कंडक्ट करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से आज वो प्रोग्राम हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, और इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा यूनस साहब को कि जो हमारा NLP का सेशन है। तो यूनस साहब प्लीज़ भरपूर तालियों में यूनस साहब का इस्तकबाल कीजिए। करते हैं उसको पूरा नहीं करते, पाबंदी नहीं करते,
और बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी को जाहिर करती है या पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है उसको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज का प्रोग्राम हमारा 9 बजे शुरू होना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 बजे शुरू हो रहा है। तो ये परसेप्शन कह रहे हैं, ये आदत कह रही है, इसको जब हम इससे बाहर नहीं निकले तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो कौम वक्त की पाबंदी नहीं करती, वक्त की कदर नहीं करती, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये हम लोगों को खुद भी और आपकी आने वाली जनरेशन को भी मैसेज देना चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम वक्त की कदर करने लगे। NLP भी हमें यही समझाता है, यही सिखाता है, आगे हम चलेंगे तो आपको मसीह इसके बारे में डिटेल पता चल ही जाएगी। मजीद क्योंकि टाइम आगे ही बहुत शॉर्ट हो गया है, मैं अपने प्रोग्राम को भी शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा। इसकी थीम, इसका फलसफा, इससे जो गेमिंग हमने हासिल करनी है उसको आप तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आएंगे दूसरे को जगा लेते हैं, तो जगाने का बेहतरीन तरीका आपको मेरे ख्याल से सबको पता ही है, भरपूर क्लैरिटी।
ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने इस प्रोग्राम के एंड पर हमने हासिल करने हैं और हम इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से ये ऑब्जेक्टिव आज के सेशन के बाद हासिल कर लेंगे। माइंड मास्टरी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ थॉट्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्सेप्ट टू अचीव गोल क्वालिटी डिसीजन सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये हमने अचीव करने हैं ऑब्जेक्टिव्स और ये दो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये माइंड साइंस के या NLP के हीरो कह लें इनको, उन्होंने माइंड साइंस का आगाज किया रिचर्ड ब्रैंडलर और जॉन ब्रैंडलर, इन्होंने NLP की शुरुआत की 1970 में। NLP कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, ये तकरीबन 30 से 35 साल पुराना कंसेप्ट है और इस मॉडल को बड़े बड़े जितने भी ट्रेनर हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई किया जाता है, बिजनेस में अप्लाई किया जाता है, एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है और अपने लाइफ में इस गोल को अचीव करने के लिए इस मॉडल को किया जाता है। जो कि दो शख्सियात ने मॉडल तैयार किया 1970 में, दो शख्सियात वो हैं जिन्होंने मोटिवेशन दिया इसे और जिनकी केस स्टडी की, एक खातून है वर्जीनिया सेटर एक खातून है और एक मिल्टन एरिक्सन है, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे अपने ज़माने के माने हुए साइकोलॉजिस्ट थे, बड़े बड़े बिगड़े हुए केस इनके पास जाते थे। तो इन दो शख्सियात ने रिचर्ड ब्रैंडलर ने और जॉन ब्रैंडलर ने इन दोनों के पास बैठना शुरू किया, इन केसेस को स्टडी किया और फिर चार किताबें लिखी, एक वर्जीनिया सेटर की टेक्निक्स पर दो किताबें लिखी, दो वाली और दो वाली उन्होंने लिखे मिल्टन एरिक्सन के बाद, उनकी टेक्निक्स को कंबाइन किया चार किताबों में और एक मॉडल बनाया। दो लफ्जों के ऊपर इनकी कहानी सारी चलती है। हम लाइफ में देखते हैं कि हमेशा वक्त गुजरने के बाद, इवेंट हो जाने के बाद, फेलियर हो जाने के बाद सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा होना है, ये हम सोचते हैं इवेंट गुजर जाने के बाद। इन शख्सियात ने ये फार्मूला दिया कि बजाय इसके कि हम बाद में सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ, तो क्यों ये हुआ कि हम काम करने से पहले उसको करना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, ये हम सोच लें तो हमें पछतावा नहीं होगा। वरना क्या होगा कि हम करने के बाद हमेशा क्या पछताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ और उनके साथ क्यों नहीं हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह पाक के ने ये निज़ाम बड़ा बैलेंस रखा है और हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है। ये हमारे रिएक्शन से, ये हमारा उसके ऊपर रद्द अमल है जो दूसरों से डिफरेंट कर देता है, एक डिफरेंट होता है दूसरा डिफरेंट होता है। बारिश होती है सबके लिए होती है, सूरज निकलता है सबके लिए निकलता है, ज़मीन है सबके लिए है, ऑक्सीजन है सबके लिए है, जितने भी अल्लाह ताला के इनामात हैं वो सबके लिए हैं, अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शंस किसके क्या है उसके हिसाब से अपने अपने स्टेजेस, अपने अपने वैल्यूज, अपने अपने लेवल हम लोग तय करते हैं। तो हमने रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव स्टेट में रहने की कोशिश करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस प्लेटफॉर्म से लिंक हैं, योगा के प्लेटफॉर्म से लिंक हैं, योगा हमें सिखाता है, ब्रीदिंग हमें सिखाती है कि हम प्रेजेंट में कैसे रहें, हम वक्त की कदर कैसे करें, वक्त की वैल्यू कैसे निकालें। तो हम 90% से ज़्यादा टाइम या पास में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, या जो इवेंट गुजर गया उस पर पछता रहे होते हैं, हाई ये क्यों हो गया, हाई ये कैसे हो गया, मैं मर गया, मैं लूट गया, मैं फेल हो गया, आप रात रख कर बैठ गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए, एंग्जाइटी का शिकार हो गए, या हम आने वाले वक्त की सोच करते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होता। आप बताएं क्या कल का कोई भी प्रोग्राम हम अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जो वक्त गुजर गया उसमें कोई इवेंट हो गया उसको हम अनडू कर सकते हैं, कोई रिमूवर कोई अरेजर कार का इंतजाम नहीं हुआ जो गुजरे हुए लम्बात को वापस लाए।
और कोई ऐसी टेक्निक आज तक सजने का आजाद नहीं की कि आने वाले वक्त को आने वाले इवेंट को आपके इख्तियार में दे। आप प्रेजेंट को वैल्यू में लाकर अपने आप को प्रेजेंट में लाकर प्रेजेंट में एफर्ट करके आप फ्यूचर को अपने हाथ में तो ला सकते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ सोचने से सिर्फ अपने माइंड को इस्तेमाल करने से आप जितने सोचने पड़े थे आप फ्यूचर को अपने आप में नहीं ला सकते। एक स्टेटमेंट याद आ रही है, हम अपने आप को चेंज नहीं करते, हम हमेशा दूसरों को चेंज करते। हम वर्ल्ड को किसी को कहते आपका एम क्या है, मैं बड़ा होकर बादशाह बनूंगा, ये बनूंगा, पूरी दुनिया को चेंज करूँगा। तुम क्या बनोगे, मैं ये बनूंगा, पूरी दुनिया को चेंज करूँगा। यू बिलीव मी कि दुनिया को कोई चेंज नहीं कर सकता, दूसरों को कोई चेंज नहीं कर सकता, दुनिया हमारे अंदर है। जब हम अपने आप को चेंज करेंगे दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, दुनिया खुद भी चेंज हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग होल वर्ल्ड, बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल सेंटेंस है, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग होल वर्ल्ड बेटर टू प्रोटेक्ट योर फेथ। पूरी दुनिया पर कॉपर कोई नहीं बिछा सकता, आप अपने शूज अपने पाँव को तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप जूते पहनकर अपने पाँव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के ऊपर आप कॉपर नहीं बिछा सकते, जहाँ जहाँ आपने जाने वहाँ कॉपर नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप बजाय दुनिया को चेंज करने में अपने आप को चेंज करने। बड़ा खूबसूरत टॉपिक, हम गाड़ी का मैकेनिज्म जानते हैं, गाड़ी की साइंस जानते हैं, सेलफोन की साइंस जानते हैं, कारखानों फैक्ट्री की साइंस जानते हैं, लेकिन ये जो छः साढ़े पाँच फीट की जो बॉडी लगा होती है इसकी साइंस हम नहीं जानते। आज हम अलहमदिल्ला कुछ नसीब हैं कि माइंड साइंस, माइंड के बारे में, अपनी एक चीज़ के बारे में हम कुछ आउट ऑफ सीखने यहाँ पर करते हुए। एक मॉडल आप देखें, इसमें जब आपके ब्रेन में मुख्तलिफ रिसोर्स से नॉलेज जाता है, इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो नॉलेज आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, आपके ब्रेन के लेवल को डिफाइन करता है और आपका ब्रेन एक फ्रीक्वेंसी लेवल पर जाकर काम करता है। तो साइंस ने उन लेवल्स को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। वो समझ लें कि जिस तरह से गाड़ियों में 5 गियर होते हैं, ये 5 गियर समझ लेंगे ब्रेन के, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। ये वर्ड याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो एक नॉलेज अच्छी चीज़ होती है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नाम याद ना रहे तो कम से कम ये याद रख सकते हैं कि गाड़ी में जैसे 5 गियर होते हैं वैसे हमारा ब्रेन काम करता है। इसमें 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बीटा और अल्फा, इस पर डिस्कस करेंगे। बीटा और अल्फा वो स्टेज है जिसमें लाखों आदमी रहते हैं, 99% आदमी तो 2 स्टेज में रहते हैं, और जितने भी हम फंक्शन कर रहे होते हैं या फ्लाइट फ्लाइट स्टेज में होते हैं, यानी कि हम बीटा स्टेज में होते हैं, और बीटा स्टेज वो लेवल है कि जहाँ पर हम फाइट फाइट फ्लाइट स्टेज में होते हैं, यानी कि या तो हम लड़ जाएँ या भाग जाएँ। अगर हम महसूस करें कि वहाँ पर हम काबू पा लेंगे तो उस सिचुएशन के साथ हम लड़ जाएँ, उस सिचुएशन में उतर जाएँ, उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। अगर हम फील करें कि इस सिचुएशन से हम नहीं निकल सकते, इसमें फंस जाएंगे, तो भाग जाएँ वहाँ से। तो ये बीटा स्टेज ये ऐसा है कि जहाँ पर आदमी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता, जहाँ पर वाइज डिसीजन नहीं ले सकता। इंसान के सर्वाइवल के लिए, दुनिया में इंसान ने सर्वाइवल किया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ बीटा स्टेज, लेकिन डिसीजन अच्छे वो अल्फा स्टेज में करता है। तो हम लाइफ में ये सीखते हैं कि हम बीटा से अल्फा में कैसे रहें, बीटा से अल्फा में रहने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ हम करवाते हैं, योगा ट्रेनिंग में करवाते हैं, और योगा हमारा माइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बीटा से अल्फा में लाने के लिए हेल्प आउट करता है। आप ब्रीथिंग टेक्निक से करते हैं, आप एक्सरसाइज से करते हैं, ये 2 स्टेज ऐसे थोड़ा सा एक 10 स्टेज है। आपका गामा वो स्टेज है कि जहाँ आपके ब्रेन की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल थाट्स चल रही होती है, जिन थाट्स को आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आपका थीटा जो स्टेज है, थीटा स्टेज वो है जिसमें आप थाट्स को मिनिमाइज करके 1 थाट कर ले आते हैं, किसी एक सोच पर कुछ कर लेते हैं। इस स्टेज में
इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, साइंसदान होते हैं, जिन्होंने कोई चीज़ ईजाद की है वो लोग होते हैं, लेकिन हर आदमी साइंसदान नहीं बनता, हर आदमी इंटेलेक्चुअल नहीं होता। लेकिन इसलिए हम लोगों पर बात करें, जैसे कहा बीटा और अल्फा पर, थीटा स्टेज पे जाने के लिए आपको बाकायदा कोई क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, बाकायदा कोई कोर्स अटेंड करना पड़ेगा, फिर आप थीटा स्टेज में जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में आपको थीटा के अंदर जाने की कुछ नहीं की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। डेल्टा का स्टेज है जहाँ पर आप या तो कोमा में होते हैं या स्लीपिंग मोड में होते हैं, जहाँ पर कोई सोच नहीं होती, किसी तरह की कोई सोच आपके जहन में चलने नहीं होती। ये पाँच स्टेजेस आपको मैंने बता दिए हैं। अपने अपने आपके अंदर जो मशीन है उसके फ्रेजिस, उसके लेवल, उसका फंक्शन समझना हर आदमी के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने स्लाइड में बता दी। आगे हम देखते हैं कि जब हमारे ब्रेन में थाट्स आती हैं, पहले हमने स्लाइड में देखा थाट्स आए फाइव लेवल में से कोई एक लेवल बनेगा, बाद में वक्त के साथ बनेगा। जब लेवल बन गया तो फिर उसके साथ क्या होता है, लेवल बनता है केमिकल रिएक्शन से। हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होता है किसी भी थॉट से, वो केमिकल रिएक्शन डिफाइन करता है कि ये कौन सा लेवल बना है। थॉट्स ही वो एक ऐसा मीडिया है, ऐसी चीज़ है कि जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, जो आपका डेस्टिनेशन जो है वो इंतखाब करती है। थॉट्स जैसी होंगी वैसे आपका एंड होगा, वैसे आपका एग्जाम होगा, वैसे आपकी मंजिल होगी। थॉट पॉजिटिव होगी तो आपका एंड पॉजिटिव होगा, थॉट नेगेटिव होगी तो आपका एंड नेगेटिव होगा। बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बताया कि थॉट्स को कैसे पॉजिटिव लेकर आना है। थॉट्स पॉजिटिव लाने के लिए हमें पॉजिटिव रिसोर्सेज तलाश करने हैं। हमने उस जगह से रिस्पेक्ट करना है अपने आप को जहाँ से हमें नेगेटिव थॉट्स मिलती हैं, जिन प्लेटफॉर्म से हमें नेगेटिव थॉट्स मिलती हैं उनसे अपने आप को बचाना है। जिन प्लेटफॉर्म से, जिन दोस्तों से हमें पॉजिटिव थॉट्स मिलती हैं उनकी हमने सोबत में बैठना है, उनके करीब हमने जाना है। मेरा कुछ हजरात से रिक्वेस्ट है, मौलाना और अफजाना रिक्वेस्ट है कि सेलफोन ऑफ कर दें अगर बेनिफिट लेना है कुछ, अदरवाइज हमारा ये टाइम सारा वेस्ट जाएगा। तस्वीरें बन रही हैं, प्रोफेशनल लोग तस्वीरें भी बना रहे हैं, दो प्रोफेशनल कैमरे भी हैं, सबको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सेलफोन बंद करते हैं, बिल्कुल ऑफ कर देते हैं। जब हमारे ब्रेन में सोर्सेस से नॉलेज आया तो लेवल डिफाइन हुआ, लेवल डिफाइन हुआ तो आगे रिएक्शन हुआ। रिएक्शन से क्या होता है, जब केमिकल्स, जो भी केमिकल्स बना फीलिंग्स आ गई। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, रसगुल्ले खाए होंगे सबने, रसगुल्ले का फील करें आपके मुँह में मिठास आ जाए, एक अच्छा खा सकते हैं। रसगुल्ले का नाम लेते ही मुँह में मिठास आ जाता है, इंफॉर्मेशन एक सोच आई तो हमारा मूड पॉजिटिव हो गया। अगर किसी ने करेले का अगर पूछ दिया हो, करेले को अगर आप सोचें तो क्या हो जाए, तो ये एक सोच ने आपके मूड को चेंज कर दिया सिर्फ नाम लेने से। नाम लेने से करेले का नाम लिया तो मुँह में करवाट आ गई, रसगुल्ले का नाम लिया तो मुँह में मिठास आ गई। तो जब आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन आई तो आपके ब्रेन के अंदर केमिकल जो बने उन्होंने आपकी फीलिंग्स को चेंज किया। जब फीलिंग्स को चेंज किया तो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। जब फीलिंग्स होती हैं तो वैसे आप बर्ताव करते हैं दूसरों से, वैसे आप इंटरेक्ट करते हैं दूसरों से, तो आपका एटीट्यूड ही आप बात करते हैं, किसी की बात करते हैं उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसका एटीट्यूड खराब है, अच्छा एटीट्यूड नहीं था। तो एटीट्यूड कहाँ से आता है, पहले फीलिंग्स डेवलप होते हैं फिर एटीट्यूड आता है। जब एटीट्यूड आ गया तो एटीट्यूड के बाद अगला कदम होता है एक्शन का, हाथ पांव जुबान चलने का। हाथ पांव जुबान जब चलते हैं तो फिर आदमी उस स्टेज पर होता है कि जहाँ पर आते बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम अगर इस साइंस को समझ लेंगे तो इसी सीक्वेंस में, इसी आदत में हम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे कि फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन पॉजिटिव, फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग पॉजिटिव, देन एटीट्यूड पॉजिटिव। जब एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ तो एक्शंस आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्शन पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आपके रीजनेबल एक्शन होंगे, आपके लाइफ किए जाने वाले एक्शन होंगे। जब एक्शन आपके रिपीटिवली होने लगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आदतें बन जाएंगी। जब आदत बन जाती है तो आदत को चेंज करना और भी मुश्किल हो जाता है, फिर वो पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। और जब आदत बन जाती है तो फिर आगे
बन जाता है आपका डेस्टिनेशन बन जाता है, आगे आपका जो है वो एक पर्सनैलिटी की सूरत आपको ड्राइव करता ले जाएगा। जितना आगे निकलते जाएंगे उतना रिवर्सल मुश्किल होता जाएगा, लेकिन कोशिश के साथ सब कुछ मुमकिन है। ये बॉडी अल्लाह तआला ने इस मैकेनिज्म पर बनाई है कि एक बहुत ही पक्की आदत भी कोई नशा भी है कोई भी चीज़। मैंने खुद तजर्बा किया कि बड़ी से मुश्किल चीज़ को आप विल पावर से 3 से 7 दिन में छोड़ सकते हैं, हमारी बॉडी यूज ही हो जाती है। आपको चाय पीने की आदत है, आपको 3 दिन तक तकलीफ होगी, सर में दर्द होगा, आप डिजिट फील करेंगे, सुस्ती होगी, 4th दिन आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि मुझे चाय की आदत है। इसी तरह नशा पे भी करते हैं 3 से 7 दिन में छूट जाता है। ये मुश्किल ज़रूर है एंड से पीछे रिवर्स होना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये सब मुमकिन है आपका। तो हम सब कोशिश करेंगे कि हम अपनी डिसीजन को सही करें, अपनी मंजिल को डिलीट हो जाती है या वो डिस्ट्रॉक्शन का कुछ हो जाता है। डिस्ट्रॉक्शन का ये होता है कि आप अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ कर उसको किस तरह से बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर आज आप सारे लोग प्रेजेंट हैं, मैं जो भी आपको कहानी सुनाता हूँ हर आदमी अपने घर में जाकर या दूसरे के साथ अपने अंदाज में सिखाएगा, उसको अपने अंदाज में बताएगा। हालांकि मैं एक आपको बताने वाला हूँ, आप सब सुनने वाले हैं, लेकिन आप अपने अपने हिसाब से उसको कैच करेंगे और उसी हिसाब से आगे डिलीवर करेंगे, लेकिन वो किसी की भी सेवा है